दिक्कत हो रही थी तुम्हारे बच्चे को, क्या वो सूखता जा रहा था जी, तो कहते हैं इसको, उसको मसान के भी मेडिकल है। ये किसने बताया तुम्हें? बड़े घर के बुजुर्ग है जो बड़े अच्छा, हैं, तो फिर क्या तो करा तुमने? उसमें उसका उसमें मम्मी का एक कसूर है, मैं खब्बी साइड का एक मैं सज्जी साइड का दूध लिया था, अच्छा फिर, तो उसमें मकोड़े छोड़ कर देखे अच्छा वे मर गए दोनों में, अच्छा तो बस उसी तरह कहा इसका सूख गया मसान, तो तो उससे उसका क्या हो बच्चा गया? सूखता जा रहा था, तो तो उसने कसोरे हाँ में दूध में अगर तुमने मकोड़ा छोड़ा और वो मर गया तो इससे क्या मतलब है? कह रहे मसान है बस इससे, नहीं तो तुम तो गाय के दूध में मकोड़ा छोड़ दो तब डूब के मर जाएगा वो, भैंस के दूध में छोड़ दो तब मर जाएगा वो, पानी में छोड़ दो तब डूब के मर जाएगा वो, तो दूध में कमी कहाँ से सिद्ध होगी इससे? इससे कैसे पता चलेगा कि दूध खराब है इसकी माँ का? बस ये तो पता नहीं इस बारे में। तो ऐसे ही तो तुम लोगों का बेवकूफ बनाने के लिए बैठे ही हैं, मसान मसान कह के। दूध माँ के दूध में तुम मकोड़ा छोड़ दो तो जब भी मरेगा डूब के वो, पानी में छोड़ दो तब भी मरेगा वो, तो अच्छा जी, गाय भैंस के में छोड़ दो तब भी मरेगा, ये क्या बात हुई है? बस ये तो पता नहीं। तो फिर उसके बाद माँ का दूध पिलाना बंद कर दिया, नहीं दवाई चल रही थी, उसने दवाई दी थी, अब मकोड़ा नहीं मरता दूध में, अब डाल के अब देखा। डाल के देखना मकोड़ा तब भी मरेगा। चलो कल डाल के देखेंगे कमाल है, कैसे कैसे पागल बना रहे लोगों, कितने पैसे ले रहे तुम लोगों से इन सब के, जी, एक बार के इंजेक्शन लगावे दवाई दे 780 रुपये ले जी। बस लूट लिया 780 रुपये तुमसे मकोड़ा मार के, अजीब।